हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंसाइट्स। बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि यदि टैक्स रिफंड हमें गिवन है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर और आखिरी में किस तरीके से करते हैं। देखिए, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स रिफंड को मैं करता हूं माइनस, और आखिरी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद मैं उसे करता हूं प्लस। ये तो मेरा एडजस्टमेंट सिंपल है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने प्लस और माइनस किया क्यों? तो सबसे पहले बात करूं मैं टैक्स एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर, मतलब एंट्री कैसे होती है। तो टैक्स रिफंड, मैंने करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू होगी। तो टैक्स रिफंड की एंट्री, पहले मुझे टैक्स रिफंड रिसीव होगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू टैक्स रिफंड। अगर मैं किसी कंसर्न्ड एक्सपेंस को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज कर रहा हूं, तो यदि उस कंसर्न्ड एक्सपेंस का मुझे रिफंड मिलेगा तो वो भी मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लेके जाऊंगा। तो इस टैक्स रिफंड को मैं लेके जाने वाला हूं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में, एंट्री टैक्स रिफंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब मैंने उस टैक्स रिफंड से अपनी करेंट ईयर की इनकम इंक्रीज कर दी। अब मैं एडजस्टमेंट क्या करूंगा कैश फ्लो के अंदर, वो समझें। मुझे कैश फ्लो में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां से मेरा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने एडजस्ट किया क्यों? क्योंकि मैंने इस प्रोविजन से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करंट ईयर में कम कर दिया था, तो मुझे यहां पर नेट टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। यदि मैंने प्रोविजन से प्रॉफिट कम कर दिया था तो प्रॉफिट अब इंक्रीज कर दिया, ऐसे ही मैंने रिफंड ऑफ टैक्स से प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया था, तो अब क्या करें, टैक्स रिफंड को माइनस, टैक्स रिफंड को माइनस। इसीलिए यदि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं टैक्स रिफंड करता हूं माइनस। फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें एडिशन रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, करंट ईयर का प्रोविजन, और एड लेस करेंगे टैक्स रिफंड। सबसे आखिरी में मैं वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से मैं लेस करता हूं टैक्स पेड। अब यहां पर भी बच्चों मुझे नेट एडजस्टमेंट करना है। टैक्स पेड कौन सा माइनस कर रहे हैं, जो मैंने करंट ईयर में टैक्स पेड किया, तो कहीं ना कहीं मुझे टैक्स का रिफंड मिला, उसका क्या करें, एड। तो यहां पर टैक्स पेड इन करंट ईयर इसमें से माइनस करेंगे टैक्स रिफंड, तो जो अमाउंट आएगा वो मुझे एडजस्ट करना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो यहां मैंने इस अमाउंट को अल्टीमेट इसमें तो प्लस ही किया है, क्योंकि मैंने टैक्स पेड को निकालने के लिए नेट टैक्स पेड निकाला है। कैसे कैलकुलेट किया, टैक्स पेड इन करंट ईयर माइनस टैक्स रिफंड, तो अल्टीमेट ये वाला अमाउंट मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में किया है प्लस। तो मुझे टैक्स रिफंड का क्या एडजस्टमेंट करना है, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए करूंगा माइनस, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसे करूंगा प्लस, या फिर नेट टैक्स पेड मुझे कैलकुलेट करना होगा। मैं अब एक क्वेश्चन की बात करूं, या मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग प्रोविजन गिवन है टैक्स का, क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है, इसके अलावा मुझे गिवन है मैंने इस साल कितना टैक्स पेड किया करंट ईयर में, मुझे गिवन है मैंने करंट ईयर में कितना टैक्स पेड किया, और आखिरी आइटम है टैक्स रिफंड। याद रखें, टैक्स रिफंड का अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, मुझे सबसे पहले बनाना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, उस अकाउंट को बनाने के बाद मैं सोचूंगा टैक्स रिफंड के बारे में। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जो नॉर्मल हमने पिछली क्लास में सीखा बनाते कैसे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन
25,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000। इस साल जो टैक्स पेड किया, टैक्स पेड करने के लिए या तो डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल लाइबिलिटी में, एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेबल करंट ईयर की 28,000। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे बच्चों प्रोविजन। मैंने करंट ईयर का जो प्रोविजन क्रिएट किया है, जो आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर 23,000। अभी याद रखें, मैंने कोई भी टैक्स रिफंड का एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब मुझे केवल इस आइटम की बात करूं, इस अकाउंट में जो जो मुझे आइटम्स गिवन है उनका क्या एडजस्टमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो इस 23,000 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करेंगे प्लस, और इस 28,000 को आखिरी में करेंगे माइनस। लेकिन अब मुझे बात करूं टैक्स रिफंड का भी क्या एडजस्टमेंट होगा, तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इस 23,000 को करने वाला हूं प्लस और इस 3,000 को करूंगा माइनस, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए चाहिए नेट टैक्स। नेट टैक्स मतलब करंट ईयर का प्रोविजन लेस टैक्स रिफंड। 23,000 माइनस 3, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 20,000 करेंगे प्लस, और करंट ईयर में टैक्स पेड किया 28, रिफंड आया 3, तो नेट टैक्स पेड 25,000, आखिरी में ये करेंगे अपन माइनस। तो बच्चों ये था ओवरऑल एडजस्टमेंट टैक्स रिफंड का, एडजस्टमेंट करते कैसे हैं और एडजस्टमेंट करना क्यों है, कहां पर ऐड करना है, कहां पर लेस करना है। तो बच्चों ऐसे और वीडियोस और लेक्चर्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।